जैसे कि आज 21 दिसंबर है और आप सभी सुबह सुबह जो है जग चुके होंगे। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप हमें नीचे गुड मॉर्निंग लिखकर जरूर कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज़ आप सभी के लिए ताज़ा ताज़ा लेटेस्ट अपडेट के साथ आते हैं, और आज भी हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स जो कि आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। तो आपको हम बता दें, करंट अफेयर उन कैंडिडेटों के लिए होते हैं जो कि बैंक हो, एसएससी हो, सेल हो, रेलवे हो, तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ वैसे भी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जो बैंक, एसएससी, सेल या रेलवे या कोई भी कंपटीशन का तैयारी नहीं करते, फिर भी दैनिक जीवन के लिए करंट अफेयर का नॉलेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए आप करंट अफेयर को जरूर जानें, जरूर देखें, वो भी हर रोज़ देखें, हर डेली देखें, हर समय देखें और सीखें कि नए नए चीज़, नए नए इन्फॉर्मेशन क्या आते हैं। तो आज के करंट अफेयर के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि करंट अफेयर के अलावा जितने भी बैंकिंग हो, कंपिटेटिव के क्लासेस, कोर्सेस होते हैं, वो सब सारे कोर्सेस हमारे चैनल के इसी माध्यम से मिलेंगे। यदि हमारे चैनल के माध्यम के अनुसार यदि आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलते हैं, जो कि आपकी एनडी क्लास यानी न्यू डिजिटल क्लास की ओर से आपको जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे जेन्युइन और 100% आने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को आप तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी यदि आप रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सेल हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, एसएससी हो या किसी भी प्रकार के कोई भी कम्पिटेटिव का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए जरूर लाभदायक। इसके साथ साथ दैनिक जीवन के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लाभदायक, इसीलिए हर कोई इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखे हुए 20 दिसंबर 2018 को किस भारतीय राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो यहाँ पर जो है आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 से 19 के लिए फिक्की के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा उदय शंकर जी थे, जो कि यही जो है चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के इस पूर्व कप्तान ने 19 दिसंबर 2018 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो जो है कौन है? तो उसका सही आंसर होगा अनूप कुमार। अगला क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी से संबंधित वैज्ञानिकों ने 17 क्षुद्र ग्रहों में पानी के सबूत का पता लगाया? तो आंसर होगा जोक्से। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर WEF के ग्लोबल लिंग गैप इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या रखा गया है, मतलब भारत का जो रैंक है वो कितने पर स्थान पर है? तो यहाँ पर बता दें कि भारत का जो रैंक है 108वां स्थान पर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो ने 19 दिसंबर 2018 को कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी कंपिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं या नियरेस्ट में एग्जामिनेशन है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा GSAT-7A, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज के छात्रों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा हरियाणा में जो है लेंस लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉलेज में अगर आप भी छात्र हैं, अगर आप भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं क्या आप अभी भी पढ़ रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएँ। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑनलाइन स्वास्थ्य कंसुलेशन ऐप है जो यूपी में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य केंद्र प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर होगा साथी। साथी एक ऐसा ऐप्स है जो कि आप सभी के लिए, यदि आप ऑनलाइन स्वास्थ्य केंद्र को खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है साथी ऐप को आज ही डाउनलोड करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप्स है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देखें कि कौन कौन सा ऐप्स को जो है यहाँ पर जो है कहे गए हैं। यहाँ पर जो है 91 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आंसर होगा पीरियड एंड ऑफ ए सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कार्यस्थल में यौन शोषण के विरुद्ध कानून पारित किया है? सही आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस राज्य में खोला गया है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा ने, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला पर पोस्टेज स्टाम्प भारत पोस्टो द्वारा किस ऐतिहासिक घटना को जारी किया गया है, किया गया था? इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसे घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है सोनम कपूर को जो यहाँ पर घोषित किया गया, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरूर आप रीड करके रख लें। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने नई भारत @75 के लिए रणनीति जारी की है? इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने इस नई भारत की @75 के रणनीति को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, NITI आयोग की नई भारत @75 रणनीति के अनुसार सरकार का लक्ष्य भारत को 5.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की ओर से किस वर्ष तक बढ़ाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2030 तक जो है बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर यह जो है, यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है? आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है, बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं का मासिक मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए गए? इसका सही आंसर होगा 4,500 रुपये कर दिए गए। पहले जो है उन लोग को 3,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उन लोग को 4,500 रुपया मिलेंगे। क्या आप आंगनबाड़ी में काम करते हैं या नहीं करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे आज के ताज़ा और लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ तो 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही बताए गए, क्या आज का जो है 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही है? नहीं, ऐसा बात नहीं, हमारे चैनल पर वही क्वेश्चन आपको दी जाएगी जो आपको एग्जामिनेशन में या जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, वही क्वेश्चन को आपको बनाकर दी जाती है, ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और 100 से 100% आपका एग्जामिनेशन में सेम टू सेम आएंगे। इसीलिए जरूरत है वही चीज़ पढ़ें जो आपका एग्जाम में आए, जो चीज़ ना आए वो चीज़ को ना पढ़े, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर हो या हिस्ट्री हो, किसका कोई सीमित नहीं, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए जितना ज़रूरत है उसी को ही पढ़े, अनलिमिटेड चीज़ को ना पढ़े। और एक खास बात, करंट अफेयर को पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में भी आप सुन लें। यहाँ पर हम बता दें कि आज के लिए जो घटना आजकल में घटे हैं वही चीज़ को हम लोग करंट अफेयर कहते हैं, लेकिन यही घटना 2 साल 3 साल के बाद सुनने के लिए मिलते हैं तो ये हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि करंट अफेयर, यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका हिस्ट्री भी मजबूत होते हैं। इसीलिए हमारे चैनल के द्वारा ही जो करंट अफेयर दी जाती है, उसी करंट अफेयर को आप याद करें, रीड करें और अच्छे से पास हो जाएं, और सबका जॉब लें, अपना परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको हमारे चैनल में कि अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे न्यू डिजिटल क्लास के जरूर सब्सक्राइब करके रख लें और आने वाला हर वीडियो को आसानी से देख लें। यह वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं कोई एक नई करंट अफेयर के साथ, नई क्वेश्चन के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।